हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो ठेला से रिलेटिव होने वाली है। जो ठेला पर व्यापारी हैं हल्द्वानी शहर के अंदर, उससे रिलेटिव होने वाली है। एक नया आदेश यहाँ पर टीएम साहिब ने यहाँ पर जारी करा है। हल्द्वानी में जो अत्यधिक मात्रा में अभी ठेले फल त्यौहार आने समय बढ़ जाते हैं, और पैदल आने जाने वाले और जो यहाँ पर दुकान में सामान लेते हैं, उनके लिए काफी यहाँ पर दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो 2022 में जो गणना हुई थी, जो सर्वे हुआ था निगम की ओर से, 1680 ठेले ही यहाँ पर पाए गए थे जिसका वेंडर जोन है और उनको अनुमति है लगाने के लिए। मगर अब वह इससे डबल हो चुके हैं। इस समय में काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर हल्द्वानी शहर में फल ठेले लग रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि दुकान के आगे जो ठेला लगेगा, ठेला के आगे जो ठेला लगेगा वो नहीं होगा। अभी बिल्कुल मना कर दिया गया है। 8 वेंडर जोन यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे, चिन्हित किया जाएंगे कि 8 जगहों पे यहाँ पर ये किया जाएगा कि कहाँ पर वो वेंडर जोन लगाने हैं और कहाँ पर ठेले वगैरह लगाना है। सारा कुछ यहाँ पर आने वाले समय के लिए यहाँ पर डीएम साहब ने यहाँ पर आदेश जारी किया, क्योंकि बाजार में आप देख पा रहे होंगे काफी यहाँ पर गर्दी रहती है, काफी अतिक्रमण रहता है। बिल्कुल दुकान के आगे ठेला, ठेला के आगे यहाँ पर बिल्कुल काफी संख्या में जब त्यौहार आते हैं तो ये डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो समस्या होती है। इसी पे होने वाली सारा कुछ बताऊंगा। मैं हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी के सदर बाजार में हूं, और बाजार में से दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से यहां पर जो ठेले वगैरह हैं और किस तरह से लगते हैं और क्या क्या समस्या होती है। लाइव दिखाऊंगा कि कहां पर क्या क्या है। और 1680 ही यहां पर 2022 में थे, अब वो बढ़ के डबल संख्या में लगभग हो चुके हैं। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर जरूर करना। तो अभी मैं यहाँ पर सदर बाजार में हूँ। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो एक दुकान है, दुकान के आगे एक ठेला है, ठेला के आगे एक ठेला है। अभी देख रहे होंगे यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में, देखो दुकान काफी पीछे, देखो ये दुकान है, दुकान के आगे यहाँ पर ठेला है। तो इस तरीके से अब नहीं होगा। यहाँ पर सर्वे होना है, अभी यहाँ पर बाजार में सर्वे होना है, टीम गठित होगी। जो भी यहाँ पर अवैध तरीके से ठेला फल व्यापारी यहाँ पर जो ठेला लगाते हुए पाए जाएंगे, जिस तरीके से इतनी बाहर जो दुकान लगेगी, उस तरीके से यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख रहे होंगे आने वाले समय में यहाँ पर बाजार में काफी भीड़ होने की संभावना यहाँ पर है। तो यही चीज अभी यहाँ पर होने वाली है। और शहर में तमाम जैसे खाली जो प्लॉट है, 14 प्लॉट जो स्वामी हैं, उनको नोटिस दिया गया है कि आप खाली प्लॉट बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वहां पर ना अराजकता फैलती है और शराब वगैरह पीते हैं लोग और ठेले वगैरह लगते हैं, वहां पर अराजकता फैलती है। इस तरीके का यहाँ पर शिकायत आई हुई है। सारी बैठक यहाँ पर हो गई है। इस तरीके से ठेले बिल्कुल बाहर नहीं लगेंगे और जो भी सामान बाहर होगा वो नहीं होगा। अभी फिक्स ही यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, जिसका वेंडर जोन है उनका पहचान पत्र, वोटर आईडी वगैरह सब कुछ लिया जाएगा। जो भी यहाँ पर खाली प्लॉट है उनको नोटिस दिया है कि उनको घेराबंदी करें, बंद करें उनको, ताकि वहाँ पर कोई भी घुसे ना और कुछ कोई इस तरीके का ना करें। तो बाजार में अभी आने वाले समय में यह होने वाला है, चेकिंग अभियान यहाँ पर चलेगा, क्योंकि भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है। आज यहाँ पर भीड़ नहीं है, आने वाले समय में बहुत भीड़ है, क्योंकि कुछ ठेले चलते फिरते भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, और कुछ ठेले वैसे फिक्स भी रहते हैं। तो इसी तरीके का यहाँ पर दिक्कत ना हो, लोगों को जाने में, चलने में आराम से शॉपिंग कर सके, उसके लिए यहाँ पर मीटिंग बिठाई गई है। अवैध ठेले बिल्कुल नहीं लगेंगे, सर्वे किया जाएगा और सत्यापन भी उसका किया जाएगा कि कौन है, क्या है, कहाँ का है, कैसा है, सारा कुछ बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बाजार में आपने देखा होगा, क्योंकि दुकान काफी पीछे रहती है और आगे सामान पूरे रोड में यहाँ पर फैला रहता है। आपको मैं जरा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, जैसे अभी मैं बर्तन बाजार में हूँ, तो देखिए दुकान कितनी पीछे है और सामान बिल्कुल रोड में है। अभी देख पा रहे होंगे बिल्कुल रोड में सामान है, उधर से भी इधर से भी बिल्कुल रोड में सामान है। अभी से रोड में यहाँ पर सामान फैला हुआ है, तो आने वाले समय में क्या होगा, एक एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी समस्या नहीं हो, इसलिए डीएम साहब ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो जो खाली प्लॉट है वो भी होगा, वेरिफिकेशन होगा सबका, और जो ठेला लगा रहा है उसके फोटो वगैरह सब लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अभी मैं मेन बाजार में हूँ हल्द्वानी में, तो ये नई अपडेट थी। अतिक्रमण यहाँ पूछो मत, बिल्कुल आप जब यहाँ से चलोगे तो आपके जो सर में कपड़े यहाँ पर लटकेंगे, कपड़े टच होंगे आपके, क्योंकि इतना भार है। देखो ये झाप कितना भार है यहाँ पर, कितना भार है। और ये देख सकते हैं दुकान कितने पीछे है, दुकान के आगे दुकान, दुकान के आगे ठेला। देखो दुकान काफी पीछे रहती है और काफी आगे तक ये लोग यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बाइकें खड़े, देखो इस तरीके से बाइकें हैं, चलने के लिए बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके का ना हो, बिल्कुल यहाँ पर अंकुश लगना चाहिए। आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब मैं थोड़ा सा इधर को आके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से अभी से ये हाल है मार्केट में। ये देखे पूरे, मतलब जो पूजा का जो सामान होता है रोड में पड़ा रहता है, आप देख रहे हो, आप ये देखो। अब मैं आगे को और दिखा रहा हूँ, यहाँ बाइक है, सामान पूरा मतलब जो है रोड के आगे यहाँ पर पड़ा रहता है इस तरीके से। ये देखो, अब मैं देखो ये झुमका पूरा रोड में है, देख रहे हो, ये जो पूरा सामान है पूरे रोड में है। अब यहाँ पर मोड़ है, रोड में ही दुकान है, देख रहे हो,
ये गली में आप देखोगे पूरी जहां भी देखोगे बाइक और दुकानों से ठेलों से पूरा भरा मिलेगा आपको। कहीं भी जाओगे किसी भी क्षेत्र में आप जाओ बाजार में आपको चलना यहाँ पर लगभग बहुत ही मुश्किल है। ये देखो यहाँ पर देखो ये फिक्स ठेला है, कोई हटाने वाला नहीं है। और ये देखे नीचे कपड़े एकदम रोड पे ही कपड़े हैं। तो इस चीज को यहाँ पर अभी अंकुश लगने जा रहा है। अगर आप भाई लोग कोई देख रहे हो तो वीडियो सिर्फ इस देखो यहाँ पर आप मेहंदी लगा रहा है तो बिल्कुल रोड में यहाँ पर रखा हुआ है। तो गाड़ियां यहाँ पर रोड में है, बैनर यहाँ पर रोड में है। तो होता है दुकान के आगे थोड़ा बहुत होता है मगर इतना नहीं होता है। अब मैं आपको जरा एक चीज दिखा देता हूँ, ये जरा ये जो दुकान है देखो रोड, और रोड कहाँ पर है आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो रोड कितना नीचे है, देखो ये जो स्कूटी का जो ये टायर दिख रहा है यहाँ रोड है, उसके बाद ये नाला आता है, पूरा जो नाला है फुटपाथ है वो आता है, उसके बाद इतनी जगह बचती है, उसके बाद दुकान है। तो आप भी देखिए जो ये बगल की जो दुकान है कितना नीचे है, डबल नीचे है पूरा, आप देख रहे हो पूरा डबल डबल नीचे है। और यहाँ पर आप देख पा रहे पुलिस वाले हमेशा यहाँ पर घूमते रहते हैं महिलाओं से सुरक्षा के लिए कि यहाँ पर कुछ ना हो। देखो दुकान कितना पीछे है, देखो कितना आगे तक यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। ये देखो मेहंदी पूरा रोड पे ही है, देख रहे हो आप। तो यार इस तरीके से यहाँ पर होना नहीं चाहिए क्योंकि आने जाने के लिए यहाँ पर काफी यहाँ पर दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए दुकान के आगे गाड़ी। तो ये सब चीजें जो है ना आपको यहाँ पर देखना है और इस तरीके का ना हो, इसके लिए यहाँ पर सख्त कदम उठाने बहुत जरूरी है। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर ठीक जो मस्जिद है उसके ठीक नीचे हूँ। आज मैंने आपको यहाँ पर बाजार में जिस तरीके से अतिक्रमण था और उस पर क्या आगे को होने वाला है सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया। आगे आने वाले समय में यहाँ पर जो फिक्स ठेले हैं वही लगेंगे, जो एकदम ठेले की संख्या बढ़ जाती है ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो फड़ ठेले लगते हैं और आने जाने वालों के लिए यहाँ पर दिक्कत होती है वो सब यहाँ पर हटेंगे, क्योंकि डीएम साहब ने साफ यहाँ पर कह दिया है कि जो अधिक मात्रा में यहाँ पर ठेले लग रहे हैं उनसे शहर की व्यवस्था चरमरा रही है, शहर में दिक्कत हो रही है क्योंकि ठेले ठेले हो जाएंगे, पूरे चारों ओर ठेले हो जाएंगे। तो आए दिन यहाँ पर ठेले बढ़ रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा कि आए दिन ठेले बढ़ते जा रहे हैं, ठेला कम होने का यहाँ पर बिल्कुल नाम नहीं है, ठेले यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर यहाँ पर ये मुहिम चलाई जा रही है, नए ठेले बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और जो पुराने ठेले हैं उन्हीं को यहाँ पर मान्यता दी जाएगी और वेंडर जोन यहाँ पर घोषित करे हुए हैं, 8 जगह उनको चिन्हित करा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर लगेंगे और फिक्स कितना लगेंगे, उनका वोटर कार्ड जो आईडी वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या पता आगे आने वाले समय में जाम कम हो, नए ठेले न लगे। अगर ठेले पूरे शहर में ठेले बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ी दिक्कत होगी, अगर जगह जगह पूरा ठेलों का अंबार लग जाएगा तो शहर भी अच्छा नहीं दिखेगा और भीड़ भाड़ भी होगी, दिक्कतें भी होंगी ट्रैफिक में, क्योंकि ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है कि ठेलों की वजह से, क्योंकि कहीं पर भी रोड में भी अंदर भी चाहे आप बाजार में, मैंने आपको दिखाया कि ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, पैदल भी चलेंगे तो ये तो रोड है ना, रोड गाड़ी से अगर कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर रहा है तो सीधा जा रहा है तो जाने के लिए ही जगह नहीं है यहाँ पर, इस तरीके का माहौल पैदा ना हो इसलिए यहाँ पर सख्त कदम उठाया गया है। आपकी क्या राय है जरूर बताना, नेक्स्ट अपडेट क्या आता है वो हम आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी बाजार से वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ कि यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई होती है, ठेले ज़्यादा लगते हैं या कम लगाते हैं वो भी हम बताएंगे। बने रहना मेरे चैनल में।